ठीक है, सो हमको लगता है कि बैंक्स बिटकॉइन हेट करते हैं, बैंक्स लोगों को बिटकॉइन का पावर नहीं पता और बैंक्स बेवकूफ हैं। इनफैक्ट सच्चाई कुछ और है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा बिटकॉइन की बाइंग कोई कर रहा है तो वो कोई इंडिविजुअल, कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं आपके जैसे और हमारे जैसा, ये बड़े बड़े बैंक्स हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इनफैक्ट मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लेकिन पहले, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और खुद की मेरी रिसर्च है। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, बैंक के बारे में, ये लोग खोल रहे हैं, काफी लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारा न्यूज में है, विच इज गुड, अच्छी चीज है। बट आपको क्या लगता है कि बैंक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट क्यों खोल रहे हैं? क्या इन लोग को बहुत इन लोग को क्या वो लोग मेन स्ट्रीम अडॉप्शन करना चाहते हैं? जैसे कि आप और हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि भाई बिटकॉइन बहुत बढ़िया चीज है, डिसेंट्रलाइज मनी है, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, इसके लिए वो भी एक्साइटेड है कि ऐसा कुछ लाते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका अगर बस चले तो कभी भी बैंकिंग सिस्टम से कभी भी बाहर ना आवे और बिटकॉइन को कभी भी रिमोट नहीं करें। सिंपल सा फायदा है, सिंपल सा रीजन वो लोग ट्रेडिंग डेस्क चालू करना चाहते हैं बिटकॉइन का, बिकॉज उनको डिमांड आ रही है। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100 बिटकॉइन, 200 बिटकॉइन, 500 बिटकॉइन, 1000 बिटकॉइन, यहाँ तक कि 1 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन खरीद रहा है बिटकॉइन? रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद रहे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, जो फिएट मनी है उनके पास पैसा, सबका पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिटकॉइन में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि बिटकॉइन ही एक नया तरीके का गोल्ड है। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग बहुत कम रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी आज के डेट में क्या है? फेसबुक। इट इज नॉट अ टीवी, इट इज नॉट अ होर्डिंग, इट इज नॉट, राइट? सो बेसिकली हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और उनको पता हो गया कहीं ना कहीं कि डिजिटल वर्ल्ड का जो गोल्ड है वो बिटकॉइन ही है, भले फिजिकल वर्ल्ड का गोल्ड गोल्ड होगा। तो इसीलिए ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बहुत लंबी, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में ये लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और ये बड़े सोचने की बात है कि आप सोचो कि कोई को बिटकॉइन लेना होगा, जैसे 1000 बिटकॉइन, 2000 बिटकॉइन, 5000 बिटकॉइन, आप कहाँ से लोगे? मार्केट पे तो जाओगे नहीं, एक्सचेंज पे तो जाओगे नहीं, आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा प्लेस करके, वहां पे उतना बड़ा ऑर्डर कौन खरीदेगा और कौन प्लेस करेगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता है सबसे बड़ा डीलिंग है 1000 बिटकॉइन, 2000 बिटकॉइन, 500 बिटकॉइन का कहाँ पे होता है? ये ऑफ ओटीसी मार्केट में होता है, ओवर द काउंटर मार्केट में होता है, जो एक्सचेंज पे नहीं होता, क्योंकि पूरा प्राइस हिल जाएगा वहां पे। सो ओटीसी मार्केट में जब होता है तो सबसे बड़ा इश्यू मालूम है क्या ओटीसी मार्केट का? लेट से आपको अगर 100 बिटकॉइन लेना है, करेक्ट, तो आपको पता है कि आप बिटकॉइन एक बार ट्रांसफर, जो सेलर है, करेक्ट, आपको सेलर बिटकॉइन ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिवर्स नहीं कर सकते अगर आपने पैसे नहीं भेजा तो इन चीज में क्या होता है कि एस्क्रो रखना पड़ता है, एक थर्ड पार्टी रखनी पड़ती है जो ये सिक्योर करना पड़े कि बायर और सेलर के बीच में, भाई इसके पास 100 बिटकॉइन है, ये बेचना चाहता है, तुम 100 बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, तो ये पहले ट्रांसफर करे तो भी गड़बड़ है और ये पहले ट्रांसफर करे बिटकॉइन तो भी गड़बड़ है, क्यों? कौन किसको ट्रस्ट करे? तो किसी को तो बीच में होना चाहिए जिसको वो ट्रस्ट कर सके, उसको एक फिएट मनी भेज सके और ये इसको बिटकॉइन भेज सके, ये कंफर्म करे और बाद में फिएट मनी, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, राइट? अब आप बताओ कि ट्रस्ट किसको करोगे एस्क्रो में? आप तो उसको ही ट्रस्ट करोगे जो रेप्यूटेड फॉर्म्स हैं, और इसीलिए आप देख रहे हो कि बैक ट्रेडिंग डेस्क चालू कर रहा है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सेम ओनर जो बैक चालू कर रहा है। फिडेलिटी के बारे में भी सुना ही आपने, गोल्डमैन सैक्स के बारे में सुना, तो ये सब बैंक्स एज एन एस्क्रो बन के वो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, भाई तेरे को 200 बिटकॉइन चाहिए, 500 बिटकॉइन चाहिए, मेरे पास आ, मैं दिलाता हूँ। कहने का मतलब कौन है, ये बिटकॉइन कौन खरीद कर रहा है? ये रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। आगे चल के क्या होगा ना, हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि भाई बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन फी हाई है, स्लो है, तो कॉफी के लिए फॉरगेट अबाउट द कॉफी, फॉरगेट अबाउट द टी, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, पीपल आर नॉट गोना यूज बिटकॉइन फॉर डेली ट्रांजेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि लोग नहीं यूज करेंगे, लोग बिटकॉइन को एज अ गोल्ड रखने वाले हैं। बिटकॉइन देखने को भी नहीं मिलेगा कि वो 200 रुपए का ट्रांजेक्शन बिटकॉइन दो, वो दिन नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल्ड बिटकॉइन का वही स्टैंडर्ड रहेगा जैसे गोल्ड है। आप गोल्ड कॉफी के लिए आप गोल्ड नहीं देते हो, चाय के लिए गोल्ड नहीं देते हो, ग्रॉसरी लेने वाला आप गोल्ड से शॉपिंग नहीं करते हो,
करेक्ट, आप गोल्ड घर पे रखते हो या बैंक में रखते हो, तो आई थिंक द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द बिटकॉइन द वे दीज बैंक्स आर बाइंग बिटकॉइन। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आज के रेट में सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन बाय कर रहा है वो ना तो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना तो कोई ये बैंक्स है। भले आपको कितना भी दिखाए कि वो नो इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगा, आपने कल सुना था हम लोग लाइव में बात कर रहे थे कि ये बैंक ने बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया, तो ये सब एक्सक्यूजेज है। मुझे लगता है बैंक्स आके मनी लॉन्ड्रिंग होगा इसके लिए हम प्रमोट नहीं करेंगे, ये होगा इसके लिए प्रमोट नहीं करेंगे, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बहुत रिस्की होता तो ये बैंक्स लोग बाय नहीं करते, तो वो तो बोलना बंद ही करो। गाइस आई होप आई एम एबल टू मेक द पॉइंट क्लियर। मैं आप समझ लो कि मैं क्या बोल पा रहा हूँ। आप अपने ओपिनियन डेफिनेटली लाना कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा बिटकॉइन कौन बाय कर रहा है आज के डेट में, और आपको क्या लगता है कि फिडेलिटी और बैक्ट और ये जेपी मॉर्गन ये लोग क्यों ला रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए? क्या इसके लिए ला रहे हैं क्योंकि एक्साइटेड है, या फिर इसके लिए ला रहे हैं कि उनको पावर पता चल गया है, इनको डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा? अपने ओपिनियन डेफिनेटली कॉमेंट में डाल देना। Thank you so much for watching. I'll see you next time. Take care.